स्क्रू ड्राइवर, कैलिपर्स, स्पोर्क, ऑस्ट्रिच के पंख और आखिर में बबल गम, ब्लूबेरी। बहुत अच्छे कॉल्स की, ये है क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो जब तक पता करो तब तक इसे छुपा कर रखो। सुनो दोस्तों, सुनो। प्राइवेट, वो आ गई है। रिको, इन्वेंशन को छुपा दो। कॉल्स की, नॉर्मल हो जाओ। पता है क्या हुआ? चुप रहो मालिन, हम कॉल्स की का नया इन्वेंशन टेस्ट कर रहे हैं। प्राइवेट, टॉप सीक्रेट है। हाँ, तुम सीक्रेट रखने का अच्छा काम कर रहे हो। तुम इतना जान लो कि हम कुछ कमाल का बनाने के करीब हैं। कमाल की बात बताओ हूँ? तो ये सुनो, बताओ किसको मिलने वाला है नया रूममेट? सही सोचा। मुझे एक नया रूममेट, नया, 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 नया। ओके, मेरे यहाँ पर किसी को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो हम एक साथ मजे करेंगे, तैरेंगे, एक दूसरे के बाल स्टाइल करेंगे, बहुत मजा आएगा। सोच लो मार्लिन, तुम कैसे कह सकती हो कि ये नई रूममेट असल में कोई जासूस नहीं है? कम ऑन, एक जासूस जिसे यहाँ कोवाल्स्की के नए इन्वेंशन के प्लान को चुराने भेजा गया हो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हमें सामने वाले में अच्छाई ढूंढनी चाहिए क्योंकि हमें वो मिल ही जाती है, समझे? तुम बहुत ही भोली हो मालिन। मेरे दो पुराने दोस्त भी ऐसे ही भोले थे, लेकिन एक दिन उन्हें दोस्तों से ऐसा धोखा मिला वो आज तक पागल खाने में तड़प रहे हैं। दोस्ती डर से बड़ी होती है, राइट? तुम भोली की भोली ही रहोगी। भोली की भोली, तुम बस बुरा ही सोचते रहोगे। ओके, बस इस जगह को जरूरत है कुछ ताजे फूलों की, नरम तकियों की और यमी खाने की। दोस्तों, मेरे यहाँ दरवाजा है, वो भी उस तरफ। सॉरी मालिन, स्किपर को लगा तुम्हें ये देखना चाहिए। ये जू ट्रांसफर के पेपर हैं। तुम्हारी नई साथी, मेरा मतलब रूममेट, आज सुबह लाई गई है एक क्लास F कंटेनर में। तो मैं क्या करूं? ऐसा कंटेनर 750 किलो या उससे ज्यादा वजन के जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर एक ऑटर का एवरेज वजन 750 किलो होता है तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ इस वक्त हमारे जू में करीब करीब 100 ऑटर आ रहे हैं। 750 किलो, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अगर मेरी रूममेट वाकई आज सुबह आ गई है तो इसका मतलब है वो किसी भी वक्त। हेलो, एक्सक्यूज मी, हाय, मैं हूँ मार्लिन और तुम जरूर मेरी नई चूहा। बाहर निकल कर ले चूहे कहेंगे। मैं कोई चूहा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी रूममेट हूँ। अच्छा, पर तुम्हारा चेहरा तो चूहे जैसा है, तुम्हें अक्सर सब चूहा समझते होंगे, है ना? एक्चुअली अब नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैं एक ऑटर हूँ और मेरा नाम है मैं हूँ रोंडा। अगर तुम चाहो तो ये मछलियाँ खा सकती हो रोंडा, ये तुम्हारे ही स्वागत के लिए रखी है। और मैं तो सोच रही थी कि शायद हम तो मैं सोऊंगी कहाँ पर? ओह हाँ, मेरे ख्याल से तुम बहुत थक गई होगी, यहाँ पर जगह ज्यादा बड़ी नहीं है, इसीलिए हमें ये चलेगा। याद रहे साथियों, हो सकता है कि हमें 100 ऑटर्स से निपटना ना पड़े, हो सकता है कि एक ही बड़ा 750 किलो का ऑटर आ रहा हो, या हो सकता है 6 बड़े 125 किलो के ऑटर्स, या फिर 1500 छोटे आधे किलो वाले ऑटर्स, है ना स्किपर? तुम्हारी सोच सही जा रही है बच्चे। हाँ, शायद वो ऑटर है ही नहीं। क्या वो इतनी बदसूरत है कि तुम उसे ऑटर नहीं कहना चाहती? हाँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरी नई रूममेट एक वॉलरस है। एक बात बताओ, क्या ये वॉलरस जासूस म्यूटेंट जैसी लगती है? वो म्यूटेंट नहीं है और ना ही वो जासूस है, वो बस बड़ी है और थोड़ी गंदी है। मैंने उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहा, पर कोई फायदा नहीं। तो हम उसे यहाँ से कहीं दूर भेजने का इंतजाम करते हैं, है ना रिको? क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा मतलब वो इतनी भी बुरी नहीं है, शायद हमें बस एक दूसरे को जानने की जरूरत है। होश में आओ मालिन, हर एक के साथ दोस्ती करना जरूरी नहीं होता। ओह, मैं होश में हूँ, उसके खर्राटों ने मुझे सोने ही कहाँ दिया। ओके, पर फिर भी सही नजरिए के साथ हम किसी भी हालात को सुधार सकते हैं। तुम देखना, मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं रोंडा के साथ रह सकती हूँ, बस देखते जाओ। ले चलो मुझे झील के पार, ले चलो मुझे झील के पास। गुड मॉर्निंग रोंडा, पानी कैसा है? अच्छा है, लेकिन और अच्छा करके दिखाती हूँ। तुम समझ गई ना? हाँ, समझ गई मैं, तुमने सब कुछ बदल दिया है, थैंक्स। पता है, शायद तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। हाँ, क्या वो मेरा हेयर ब्रश है? ओ, ये तुम्हारा है, लो, वैसे भी काम हो गया है।
बस इसे लौटाने से पहले जरा साफ करके देना। इसे लौटा दूं? पर ये तो मेरा है। मैंने यही तो कहा, बस इसे लौटाने से पहले साफ कर देना। ओके, पर ये मैं कैसे? तुम ऐसा नहीं कर अब, मतलब ओके। देखो रोंडा, शायद हमें यहाँ पर कुछ रूल्स बनाने होंगे। रूल्स बनाने होंगे? श्योर, तुम बोलती जाओ। ओके ग्रेट, अगर हम एक साथ काम करें और एक दूसरे की प्राइवेसी को बिना कुछ ठीक आ रही है। ठीक आएगी क्या? एक्सक्यूज मी, नहीं आई। मैं बताना भूल गई कि मुझे साइनस की बीमारी है। अब बहुत हो गया, कान खोल कर सुन लो तुम। कैसा चल रहा है तुम दोनों में? ग्रेट, हम दोनों तो बहुत ही मजे में हैं। देखो हम बहनों की तरह हैं। अच्छा, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। नहीं मैं ठीक हूँ। वैसे तुम हो कौन? जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, मैं कोई नहीं हूँ। छह, क्या ये हमेशा ऐसे ही धमक पड़ता है? कितना अजीब है। मेरा घर, ये तो तबाह हो गया। और ये क्या है? और ये बदबू कैसी है? हाँ, फाइनली मैं थक गई हूँ। गुड नाइट रोंडा। गुड नाइट। ले चलो मुझे झील के पार, ले चलो मुझे झील के पार, ले चलो मुझे झील के पार। प्लीज प्लीज प्लीज, तुम मुझे पागल। रोंडा रोंडा, देखो ये बात बिल्कुल साफ है कि हम दोनों बहुत अलग हैं, और ये अच्छा भी है। देखो मैं दिल से ये मानती हूँ कि दो जानवरों में चाहे जितना भी फर्क हो, फिर भी अगर वो चाहे तो एक साथ रहकर। मार्लिन, वो हेयर ब्रश कहाँ है जो तुम मुझे लौटाने वाली थी? वो मेरा है, वो मेरा है। तुम मेरे ब्रश को अपनी सफाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक मिनट, ठीक आ रहे हैं। ये लो, कम से कम अपने मुंह को कवर तो कर लो। अब जरा आराम मिला। थैंक्स। कहाँ गई? दुश्मन का हमला। कोल्स्की, सेल्फ डिस्ट्रक्ट चालू करो। मैं चाहती हूँ तुम रोंडा को ठिकाने लगाओ आज रात, अभी इसी वक्त। पर तुम तो बहनों की तरह हो। वो मेरी सगी बहन भी होती तब भी मैं यही कहती, मुझे वो नहीं चाहिए, कभी नहीं। सेल्फ डिस्ट्रक्ट बंद करो। मैं जानता हूँ तुम अभी गुस्से में हो, पहले तुम जरा शांत हो जाओ और फिर आराम से इस पर सोच। उसने मुझे रुमाल की तरह इस्तेमाल किया। जरा जल्दी बताओ मेसन। ये देखो यहाँ दो शिपिंग कंटेनर्स, दोनों आज रात को ही जाएंगे। जो सबसे दूर जा रहा है उसे उसी में डाल दो, बस ये ध्यान रहे कि वो आज रात ही चला जाए, समझे कि नहीं? कोल्स्की, ऑप्शन। ये बंद नहीं हो रहा है स्किपर। हमें प्लान कैंसिल करना होगा, कल देखते हैं कि हम रास्ते से हटो बेवकूफों। हे रोंडा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ले चलो मुझे झील के पार, ले चलो मुझे झील। बाय बाय रोंडा। ओह मेरा प्यारा घर। मालिन, शायद तुम्हें जरा ये देखना चाहिए, ये रोंडा के बॉक्स का शिपिंग लेबल है। वो बॉक्स अलास्का जाने वाला है। प्राइवेट, वो बॉक्स किसी पोलर बेयर रिजर्व में जाए या कहीं भी जाए, मुझे उससे क्या? वही जा रहा है। वहाँ कहाँ? कहाँ जा रहा है? एक पोलर बेयर रिजर्व में। पर पोलर बेयर वॉलरस खाते हैं, है ना? ये मैंने क्या कर दिया? हमें इस बॉक्स को रोकना होगा और रोंडा को वापस लाना होगा। पर तुम तो उस जासूस से नफरत करती हो। आखिरी बार कहती हूँ, वो जासूस नहीं है। और हाँ हाँ, मैं उसे नफरत करती हूँ, लेकिन अगर मैंने उसके साथ कुछ बुरा होने दिया तो खुद से मुझे नफरत हो जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो रहा बॉक्स। मुझ पर छोड़ दो स्किपर। मालिन रुको, मुझे उसे बचाना ही होगा। यही सही वक्त है मेरे इन्वेंशन को आजमाने का। इससे बात बनेगी? ट्राई करते हैं। जल्दी से उसे दे दो। हो सकता है इससे उसे दर्द भी हो, क्योंकि मैं अभी तक नहीं जान पाया कि ये करता क्या है। हाँ तो ये है इसका काम। ये बॉक्स यहाँ क्या कर रहा है? इस बॉक्स को तो जाना है तारापुर वाला एक्वेरियम में।
ठीक है। चलो कम से कम वो एक जासूस तो नहीं थी। मालीन, क्या तुमने मेरा वो इन्वेंशन देखा? हाँ, देखा है, वो यहीं पर। अब वो अभी तो यहीं पर ही था। डॉक्टर ब्लोहोल, मैं एजेंट 12। आपके लिए एक जरूरी मैसेज है। ले चलो मुझे झील के पार। आई रिपीट, ले चलो मुझे झील के पार। एजेंट 12, ओवर एंड आउट।